रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना निवाला बनाने वाले बाघ को मार गिराने के आदेश के बाद मशहूर शिकारियों और शूटरों का दल आदमखोर बाघ के सर्च अभियान में जुटा हुआ है। इस शिकारी दल में हिमाचल के प्रसिद्ध शिकारी आशीष दास गुप्ता, मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय शूटर सैयद अली बिन हादी और चौधरी किरणेश जंग ने बाघ को पकड़ने या मारने के लिए सर्च अभियान का मोर्चा संभाला है, जो जंगल में सभी गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हालांकि शिकारियों को पहले दिन किसी तरह की कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही आदमखोर बाघ पकड़ में आएगा या फिर मारा जाएगा। उत्तराखंड मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक के आदेश के बाद आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया है, जिसको लेकर मशहूर शिकारियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता होगी कि आदमखोर बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा जाए, अगर जरूरत पड़ी तो मारा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि जंगल के 3 हिस्सों में हाथी और जिप्सी के सहारे ट्रैंकुलाइज टीम के साथ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी शिकारियों से बाघ को पकड़ने या मार गिराने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि वन विभाग की सुस्ती की वजह से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं वन क्षेत्राधिकारी ख्यालीराम आर्य ने बताया कि बाघ को पकड़ने या मारने के लिए 3 शिकारियों के दल को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है, जिनके साथ 150 से ज्यादा वनकर्मियों को भी लगाया गया है। बाघ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 72 कैमरा ट्रैप, 8 पिंजरे और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जंगल में जाके हम अपना जायजा लेंगे कि क्या है पोजीशन जी, और उसके बाद हम कुछ ओपिनियन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते जी। अभी आप जिस तरीके से आप लोगों ने केस की स्टडी की होगी, क्या लग रहा है सर आपको? अभी आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट भाई साहब जी। जब हम डिसीशन लेते हैं तो हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो 1-2 दिन हमें लग जाता है इसका पूरा जायजा लेने। सर अभियान में कितने लोग शामिल हैं? अभियान में कितने लोग शामिल हैं? अभियान में हमारे तीन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशलिस्ट आए हैं हमारे साथ जी। कौन कौन है सर? किरणेश जंग और सैयद अली बिन हादी मेरठ के जी। 3 लोगों की टीम है, हम तीनों अलग अलग जगह जाएंगे, और ये हमारा ऑपरेशन आज से शुरू हो गया है, जिसमें हमारे साथ ट्रैंकुलाइज टीम भी रहेगी जो यहाँ पहले से मौजूद रही है, और वो हमारे तीनों के साथ अलग अलग जगह जो किलिंग स्पॉट्स हैं, कोई सर्चिंग के दौरान कोई मचान पे बैठेगा, को ऐसे तरीके से हमने अपनी टीम गठित करी। सर यहाँ पर केस स्टडी आपने करी होगी, किस तरह का केस लग रहा है सर बाघ का, अगर कहा जाए किस तरह क्या क्या लग रहा है? देखिए ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा जब तक हम पूरे एरिए को स्कैन ना कर लें और तरीके से इन चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर लें, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये पर्टिकुलर कल्प्रेट जो है मेन वो है तो टाइगर का, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स खा रखे हैं वो टाइगर का ही काम होता है। सर क्या उसको पकड़ने की भी कवायद की जाएगी या उसको किल करने के हिसाब से आप लोग देखेंगे? नहीं नहीं, मैंने जैसे कहा कि हम उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, और चूँकि पिंजरे भी लगा रखे हैं, पिंजरों के ऊपर मचान भी हैं, तो वहीं हम लोग अपना बैठेंगे। इसमें गुजरानी के लंबे समय से 6 लोगों को मार गिराया है बाघ द्वारा, और हम लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग हमें ये अप्रोच करते हैं, हमें दुख होता है क्योंकि हमारे बीच के लोग हैं जिनको मारा गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा गति में वन विभाग आया है, लेकिन और समय से चेत जाता तो इतनी घटनाएं नहीं घटती। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस बाघ को मार गिराया जाए, क्योंकि यहाँ शिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं, और इसी होप के साथ यदि नहीं मारा जाता है तो निश्चित रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन यहाँ पर करेंगे। टाइगर के द्वारा दिसंबर से अब तक मेरे रेंज में 6 घटनाएं घटित हो चुकी, 6 लोगों को मार दिया गया है। इसके बाद से हमारे द्वारा रेंज में 8 पिंजड़े लगाए गए हैं और 60 कैमरे पन्याली दमड़ुआ क्षेत्र और 20 कैमरे भजूनी क्षेत्र, कुल मिलाकर के 80 कैमरे हमारे द्वारा अब तक लगाए गए हैं। 1 महीने से इसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है, और बढ़ती घटनाओं के क्रम में इसको मारने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं, और इसमें शिकारी नियुक्त हो चुका है जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आज सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज उनके द्वारा क्षेत्र में भ्रमण करके घटनास्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। कितनी टीम है शिकारी? शिकारियों की 3 टीमें आई हुई हैं, एक मुख्य शिकारी है, 2 उनके असिस्टेंट हैं।